प्रभारी अधिकारी शस्त्र सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उसके प्रभाव एवं प्रसार को रोकने के लिए जनहित में शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन 31 मई तक घोषित किया गया था, जिसके अनुपालन में 25 मार्च को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस दौरान उस अवधि में जनपद के शस्त्र लाइसेंसधारियों का लॉकडाउन होने के कारण शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने में विलंब हुआ। वर्तमान समय में जनपद के शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण में हुए विलंब शुल्क ₹2,000 माफ़ किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश 10 जून द्वारा जनपद के शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण में हुए विलंब शुल्क ₹2,000 25 मार्च से 31 मई के लॉकडाउन अवधि तक माफ़ किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, शस्त्र के संबंध में जो लॉकडाउन के समय जनता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी, उस करीब 2-2.5 महीने 3 महीने के समय में, और इस कारण उनका नवीनीकरण छूट गया था, तो उनके लिए जिलाकारी महोदय की तरफ से विस्तृत आदेश हो चुके हैं और उस पीरियड लॉकडाउन पीरियड के समय का जो विलंब शुल्क था उसको माफ़ कर दिया गया है। जनता से ये अपील है कि आप अपने जो शस्त्र नवीनीकरण उनका पेंडिंग पड़ा है उसका नवीनीकरण करा लें, और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो कि विभिन्न पेपरों और आपके माध्यम से जनता को सर्कुलेट कर दिए गए हैं।